हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी। ये कलौंजी वाला बैंगन है। चलिए बैंगन का सब्जी बनाने के लिए देख लेते हैं किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, किसी भी चीज़ साथ खाएं। ये हमने 3 आलू लिया है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और हमने ये कलौंजी वाला बैंगन लिया है, इसे भी हमने कोई भी शेप दे दीजिएगा आप। ज़्यादातर इसे ऐसे ही बनाया जाता है। हमें मसाले में चाहिए 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच सरसों का पाउडर, 4 हमने लाल मिर्च लिया है, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च लिया है, 2 लहसुन को हमने साफ कर लिया है अच्छे से। ये सब चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे। 2 टमाटर को हमने स्लाइसेस में काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और तड़के के लिए लाल मिर्च और थोड़ा सा मेथी लिए हैं, और हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए, इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्राइंडिंग जार में ये सारे मसाले डाल लेते हैं। हल्दी को छोड़कर सारे मसाले इसमें डाल दें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका स्मूथ एकदम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बना लिया है। चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे, इसे गर्म होने दें। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें आधा ऑयल डालेंगे हम पहले, इसे गर्म होने दें। ऑयल हमारा एकदम गर्म हो गया है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके कलौंजी को फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ से कलौंजी को तल लेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसे। ये देखिए, हमारा कलौंजी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे फ्राई मीडियम फ्लेम पे करें क्योंकि इसे हमको सॉफ्ट भी करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे कलौंजी को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे कलौंजी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसी ऑयल में ये आलू डालेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। आलू सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गया है, हमारा आलू एकदम अच्छा से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। ये देखिए, हमने आलू निकाल लिया है। अब इसी में थोड़ा सा और हम ऑयल डालेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी और लाल मिर्च डाल देते हैं तड़के के लिए। सारे मसाले को डाल लिया है, अब इसी से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें। नमक डाल देते हैं, ध्यान रहे हमने आलू में भी नमक डाला है, और हम टमाटर भी डाल देते हैं इसी में। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं हम। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक के 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा। 5 मिनट हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा 5 मिनट के बाद कितना अच्छा से ऑयल भी बाहर आ गया है। अभी और हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे।
ये देखिए 5 मिनट हो गया है, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है एकदम एकदम। देखिए चारों तरफ से ऑयल बाहर आ गया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ कलौंजी और आलू को डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए हमने अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया है। अब इसे 2 मिनट तक ऐसे ही ढक के थोड़ा सा पका लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट हमारा हो गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। हम इसमें पानी डाल देते हैं, अब इसे अच्छे से चला लें। ये देखिए हमने पानी डाल लिया है, हमारा बॉयल भी आने लगा है सब्ज़ी में, लेकिन हम ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट तक हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं अच्छे से सब्जी को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। ये किसी भी साथ खाइए आप, बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।